और भाई क्या चल रहा है आजकल? आपके भाई ने तो हॉरर मूवीज देखना स्टार्ट कर दिए हैं। अबे तू हॉरर मूवीज अकेले में देखता है, तुझे डर नहीं लगता? डर किसको नहीं लगता, हम भी इंसान हैं। सारे घर की लाइटें जला के देखता हूँ। अबे मेरी हॉरर मूवीज क्या हॉरर स्टोरीज से भी फटती है। और भाइयों कैसे हो, क्या बातें चल रही हैं? अबे बात तू आ गया। अबे तुझे तो कल आना था ना क्वेटा से, आज कैसे आ गया? बस यार मैं थोड़ा जल्दी आ गया और सोचा सबसे पहले अपने दोस्तों से मिल लूं। वैसे क्या बातें चल रही थी? अबे कुछ नहीं यार, बस हॉरर मूवीज की बातें कर रहे थे। और तुझे पता है इसकी तो हॉरर मूवीज क्या हॉरर स्टोरीज से भी फटती है। अबे ओ तू भी तो लाइटें खोल के हॉरर मूवीज देखता है, और ये तो देखने के बाद वॉशरूम में नहीं जाता। अबे मेरी तो देखने के बाद फटती है ना, तेरी तो देखने से पहले ही फट जाती है। अच्छा बेटा कारसाज वाला सीन बताओ इसको। एक मिनट यार, क्या तुम लोग फजूल बातों पे लड़ रहे हो, ये भी कोई डरने वाली बात है? अबे भाई डरने वाली बातें नहीं है, तो मजाक करने वाली बात है। बेटा कभी हॉरर मूवीज अकेले में देखोगे ना, पता चल जाएगा कि डरने वाली बात है या नहीं है। बड़े आए। अबे तुम लोग हॉरर मूवीज की बात कर रहे हो, मैं तुम लोगों को एक फैक्ट बताऊं भाईजान, जिन्नात ना हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं। आप उनको नहीं छेड़ो, वो आपको नहीं छेड़ेंगे। सिंपल। और भाई सीधी सी बात है, मुझे डर नहीं लगता। क्या क्या बोला तूने? भाई मुझे डर नहीं लगता। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको डर क्यों नहीं लगता? भाई मुझे तो लग रहा है कि हमें सिर्फ चौड़ापे दिखा रहा है। भाई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। सही बात है। अब देख उस दिन तेरी डर के मारे पिस्सी निकल गई थी। हैं? अच्छा और तेरी भी डर के मारे पॉटी निकल गई थी। अबे पिस्सी पॉटी छोड़, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसको डर लगे। अरे तो अब हमें क्या करना होगा? अबे थप्पड़ क्यों मारा? अबे आइडिया आया ना। आइडिया पे तो ये करते हैं ना। अबे हाँ आइडिया पे तो ये करते हैं। सॉरी। अबे तूने क्यों मारा? मैं कह रहा हूँ चल। तो चल पे तो ये करते हैं ना। हाँ हाँ चल चल। मैं भाई ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम लोग मुझे? तूने हमें क्या कहा था कि तुझे डर नहीं लगता? मैं यार कितनी दफा बताऊं मुझे डर नहीं लगता। तो तुझे डर ही तो लगाने के लिए यहाँ लाए हैं। तुझे पता है ये घर कितना पुराना है? कितना? 500 साल पुराना। और इस घर में जो भी गया है ना, आज तक वापस नहीं आया है। क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। तो मैं क्या करूँ? भाई तुझे करना कुछ भी नहीं है, इस घर में एक नीली बॉटल पड़ी है, वो तुझे लेकर आनी है। मैं भाई उस नीली बॉटल का मुझसे क्या ताल्लुक है? देखा देखा डर गया। मुझे डर नहीं लगता। ओ भाई एक मिनट, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया मुझे डर नहीं लगता। तो भाई जब आपको डर नहीं लगता तो आप आराम से घर में जाएं और नीली बॉटल लेकर आ जाएं। भाई अगर तू वो नीली बॉटल लेकर आ गया ना, तो हम मान लेंगे कि भाई तुझे डर नहीं लगता। भाई नीली बॉटल लानी है ना, अभी ले आता हूँ। अबे पैंपर रख लिया था ना, ओए कहीं लीक ना हो जाए। अच्छा तो ये बॉटल है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आप कौन भाई? शक्ल से मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ? कार्टून लग रहे हो। खबरदार जो तुमने मुझे कार्टून कहा, मैं 500 साल पुराना जिन हूँ। अच्छा 500 साल से आप इसी घर में रह रहे हो? हाँ। अकेले? हाँ। तो कोई बीवी बच्चे नहीं है आपके? नहीं। अच्छा तो फिर क्या करते हो इस घर में अकेले? जो इंसान इस घर में आता है उसको मैं खून चूसता हूँ।
अच्छा, मुझ जैसे इंसानों का खून चूसते हो और 500 साल पुराने जिनों। वैसे तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, ये बताओ शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए क्या बनवाया था? बीफ कोरमा बनाया होगा। बीफ कोरमा? अच्छा तो पिज्जा बनाया होगा। अच्छा पिज्जा। अबे भाई, शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं बनाया, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूं है? ओ भाई, ताजमहल बनवाया था और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे 500 साल जिंदगी गुजारी है तुमने? अबे तू ये छोड़, तू ये बता कि यहाँ पर क्यों आया है और आज का खाना तो मेरा तू ही होगा, तेरा खून चूसूंगा मैं। ओ भाई एक मिनट, मेरा और तुम्हारा कोई मजाक नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ये बॉटल लेने आया था और बॉटल लेके चला जाऊंगा, और अगर बीच में कोई इंटरफेयर किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझसे बदमाशी कर रहा है, तुझे क्या डर नहीं लग रहा मुझसे? यार वो भाई, मैं उनको भी बता चुका हूँ और तुम्हें भी बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अबे यार फहद, बाहर आ जा यार, इसको वाकई में डर नहीं लग रहा। यहाँ इतनी मुश्किल से गला फाड़ फाड़ के जिंदगी एक्टिंग कर रहा हूँ, पूरा हॉरर सेटअप लगाया और इसको चुन्नू सा भी डर नहीं लग रहा यार। अबे यार, सारे पैसे भी बर्बाद हो गए और इसको डर भी नहीं लगा, पता नहीं कैसा आदमी है। ये सब तुम लोगों ने किया है? अबे यार, सारा टाइम बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। होटल उठा के लिया, अजीब। और जिन जिन ऐसे होते हैं, बस मास्क पहन लिया, चादर ओढ़ ली, जिन बन गए। बेटा कभी असली जिन से मिलोगे ना तुम लोग, टांगे कांप जाएंगी तुम लोगों की। सारा टाइम बर्बाद कर दिया मेरा, हटो यहां से। डर ही नहीं लगा तो अब क्या करें? कोई दूसरा आइडिया सोच। आइडिया। थप्पड़ क्यों मार रहा है? अभी उठ जाएगा। आइडिया आ गया ना, अब इस आइडिया पे अमल करते हैं। चल 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 चल, चल, चल। नए आए हो? आओ आकर बैठो मेरे पास। कब मरे बेटा तुम? मरे मतलब? यहां तो सारे मुर्दे ही आते हैं, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ? अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर में सो रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को कब्रिस्तान में पाया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसे ही होता है बेटा, मौत तो एक बहाना है एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल होने का। मुझे तो मरे हुए 50 साल हो गए। शुरू शुरू में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाओगे। देखें अंकल, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो आपने बोला है ना कि डर जाओगे, तो मैं आपको बताता चलूं, मुझे डर नहीं लगता। मैं भी यही कहता था जवानी में कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इसी बहादुरी ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। वो कैसे? वो जवानी के दिन जब मैं सबसे कहता था कि मुझे डर नहीं लगता, एक रात मैं इसी कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहा था
कि अचानक एक लंबा सा, एक नंगा सा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ और मेरा कद उसके घुटनों तक था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं आज ही दफनाया गया और उसी वक्त मुझे हार्ट अटैक हो गया और मैं मर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कहानी खत्म, पैसा हजम। देखे अंकल, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और सबसे अच्छा पार्ट वो वाला लगा, लंबा सा, लंबा सा। लेकिन अंकल एक बात बताएं, इसमें डरना कहाँ था? अबे मैं हार्ट अटैक से मर गया और तुझे डर ही नहीं लगा? अरे अंकल, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अब देखे ना, आप मुर्दा हैं, उसके बावजूद मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि आप जिंदा हैं। अरे मैं मुर्दा हूँ? अंकल आप जिंदा हैं, अगर आप मुर्दा होते तो आपके पास से स्मेल आती। अरे बेटा मैं अच्छे अमाल करके मरा था। अच्छा तो आप अल्लाह का पक्का वादा करें कि आप जिंदा हैं? अरे तुझे किसने छोड़ दिया मुझ पर? अच्छा चल, अल्लाह का पक्का आधा। अंकल झूठ की इंतहा होती है, आपने अल्लाह का पक्का आधा बोला है, अल्लाह का पक्का वादा नहीं बोला। ओ भाई बाहर आ जाओ। अबे यार कैसे आदमी को मेरे सर पे बांध दिया, अबे इसको तो डर ही नहीं लगता। ओ भाई मेरे पैसे दो, मैं जाऊं। दिमाग खराब कर दिया। तुम लोगों ने इनको पैसे दिए थे मुझे डराने के लिए? अबे यार पैसे भी चलेगा और ये डरा भी नहीं। अबे भाई तुझे डर क्यों नहीं लगता? तुम लोग जानना चाहते हो ना मुझे डर क्यों नहीं लगता? हाँ तो कल सुबह मेरे साथ एक जगह पर चलना, वहां जाकर तुम लोगों को सब पता चल जाएगा कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। अबे भाई कहां ले आया है हमें? यहीं पे वो वजह है जिसकी वजह से मुझे डर नहीं लगता। अबे कहां है वजह, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। भाई यहाँ तो मट्टी है, झाड़ियाँ हैं, नहर है और सामने हाईवे है। ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखो। अबे ये क्या है? ये कब्र है। अबे वो तो हमें भी दिख रहा है कब्र है, लेकिन किसकी है? उस पर क्या लिखा है? इबाद। और मेरा नाम क्या है? इबाद। तो ये कब्र किसकी हुई? अच्छा तो इसका मतलब ये तेरी कब्र है। अबे ये तेरी कब्र है, ये तेरी कब्र है। अबे तू मर गया। मुझे आशा टकरा, मुझे डर भी लग रहा है। अबे यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अबे ओ हमारे साथ ना मजाक नहीं कर, ये बता कैमरे कहाँ फिट है? प्रैंक कर रहा है ना तू हमारे साथ? मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा तुम लोगों के साथ। मैं क्वेटा से कराची आने वाली बस में बैठा था, पर वो बस क्वेटा से तो निकली थी पर कराची नहीं पहुंची। आप तक पहुंचाएंगे। क्वेटा से कराची जाने वाली मसाफिर कोच बारिश के बाद फिसलन से उलट गई, हादसे में 3 अफराद जान बहक हो गए हैं, 15 जख्मी हैं। अरे अंकल मैं आपको बता चुका हूँ मुझे डर नहीं लगता। अब देखे ना आप मुर्दा हैं, उसके बावजूद मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि आप जिंदा हैं। मुझे डर नहीं लगता भाईजान, जिन्नात ना हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, आप उनको नहीं छेड़ो वो आपको नहीं छेड़ेंगे, सिंपल। बेटा कभी असली जिन से मिलोगे ना तुम लोग, टांगे कांप जाएंगे तुम लोगों की। क्या हुआ, कांप गई ना टांगे तुम लोगों की? तुम लोग मुझसे पूछते थे ना कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। एक मरे हुए शख्स को कभी भी किसी से भी डर नहीं लगता। फाद भाग यहां से, अबे भाग। ये लोग तो भाग गए पर आप लोगों को कहीं नहीं भागना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। करें सब्सक्राइब।